पॉइंट चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो अगर तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम है ना, एकदम सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड को एकदम ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में डिफाइन कर सकते हैं, या जहां भी फील्ड जैसा वर्ड होगा इसी तरह की डेफिनेशन होगी। तो बहुत तरह के फील्ड होते हैं फिजिक्स में, टेम्परेचर का भी फील्ड होता है ना, ग्रेविटेशन का फील्ड तुम्हें पता ही है, डेंसिटी का भी फील्ड होता है, बहुत सारी चीजों का फील्ड होता है, डेंसिटी भी वेरी करती है इस तरह से। तो एक्चुअली में यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है इसके सराउंडिंग में जो रीजन है जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स को फील कर सकता है ना, इसके सराउंड में एक रीजन है, पूरा रीजन, आई विल शो द रीजन, इसके सराउंड में रीजन होगा, और सराउंड में मतलब ये नहीं कि इस प्लेन में होगा, थ्री डायमेंशन में, इसके सराउंड में थ्री डायमेंशन में एक रीजन होगा जिसमें दूसरा कोई चार्ज का पार्टिकल, ऑब्वियसली मास का पार्टिकल नहीं होगा वो, दूसरा कोई चार्ज का जो पार्टिकल है उस पर चार्ज होना चाहिए, वो अगर उस फोर्स को फील करता है तो ये जो फील्ड होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल लैंग्वेज की बात करें कि फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच अदर चार्ज कैन फील अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन अपने मन से लिख लोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर फील करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना है तो दूसरे मास को यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसमें ग्रेविटेशन फील्ड में दिया था कि जैसे सपोज करो किसी प्लैनेट पे अगर एयर है, ठीक है, तो उसको एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, तो अगर एयर को या ऑक्सीजन को फील करना है तो तुम्हें कोई स्पीसीज भेजना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि बिना कोई स्पीसीज को भेजे तुम उसको फील नहीं कर पाओगे, बट उस स्पीसीज की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है एयर के लिए, है ना। प्लैनेट के अराउंड एयर तो बिना स्पीसीज के भी है, बट अगर फील करना है तो एक स्पीसीज भेजना पड़ेगा, तो ये फील करने के लिए। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि सराउंडिंग में कहीं भी हो सकता है, मतलब स्पेस में कहीं भी हो सकता है, इसको फील करने के लिए एक हम चार्ज रखते हैं जो बहुत छोटा सा चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज को, आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बहुत छोटा बना दिया मैंने, इस छोटे से चार्ज को कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए है ना, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं पॉजिटिव लिखता हूं क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो खाली टेस्ट चार्ज भी रखूं तो लिखूं तो उसका मतलब भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो इट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको सिर्फ इसका फील्ड फील कराने के लिए यहां पर रखेंगे, फिर उसको हटा देंगे। कैसे, देखो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं लिख देता हूं, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसका नाम भी देता हूं क्यू नॉट, छोटा सा है, चाहे तो ये कभी कभी मैथमेटिकली टेंडिंग टू जीरो लगा देते हैं ना, बहुत छोटा सा, छोटा सा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इस चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, है ना, तो इसलिए बहुत छोटा सा लेते हैं। तो इसको आगे थोड़ा सा और इंडक्शन में और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल यहां पे ये समझ लो कि बहुत छोटा सा इसलिए है क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब नहीं करना इसको। इसका नाम होता है, इसका नाम तो पता है, पॉइंट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज निकाल रहे हैं, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज हो गया। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, है ना, पॉजिटिव है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, लेट मी रब दिस, यहां से हटा के मैंने गलत जगह लिख दिया, रिपेल करेगा, यहां पे लिख देता हूं क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, और ये इसको रिपेल करेगा, ये इस पर रिपल्शन फोर्स है,
क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसका रिपल्शन फोर्स है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और फिलहाल हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप तो पता है, ठीक है, तो C कांस्टेंट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो P पॉइंट है, उसकी पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो ये स्मॉल r का स्क्वायर होता है, ठीक है। मगर ये तो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का था वैसे ही होगा, तो याद होगा वहां पे हम क्या करते थे, फोर्स अपॉन मास करते थे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज। ये सब मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें पता ही ना, डायरेक्शन इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बस क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां तक तो क्यू नॉट की जरूरत थी डिवाइड करने के लिए, अब क्यू नॉट की जरूरत खत्म हो गई, तो चाहो तो इसको मिटा सकते हो, अब पी पॉइंट पे इसका कोई यूज नहीं है, है ना, तो ये टेस्ट चार्ज टेस्ट करके चला गया, मतलब ये इसने टेस्ट कर लिया कि यहां पर फील्ड था, अब तुम्हारा कोई यूज नहीं है, है ना, भागो यहां से, तो इसका कोई यूज नहीं, इसको भगा देते हैं, अब इसका भी यूज नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत है वैल्यू निकालने के लिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में टेस्ट चार्ज नहीं आता है, ठीक है, तो इसको फील करना है तब तो तुम्हें यहां पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बिना टेस्ट चार्ज के होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोलेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज, अच्छा यहां तो लिखा नहीं मैंने, ये प्लस क्यू है, ये वाला ऑब्वियसली समझ गए होगे, ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू का यहां पर फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की जगह सी, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज कहीं पर नहीं है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए टेस्ट चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब तुम्हें मतलब दूसरा कोई चार्ज भी यहां पर रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूसरा कोई चार्ज यहां पे रख सकते हो, उस पे फोर्स निकाल सकते हो, तो फिलहाल तो ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, एंड दिस विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सपोज तुमने यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज को हम ब्लू से दिखाते हैं, मान लो टेस्ट चार्ज नहीं है ये कोई नेगेटिव चार्ज है, बड़े साइज का रख दिया, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया और बड़े साइज का नेगेटिव चार्ज रख दिया पी पॉइंट पे, है ना, बड़ा साइज है, एंड सपोज करो उसकी वैल्यू है माइनस क्यू, ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्यू माइनस क्यू को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो माइनस क्यू पर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, थोड़ा ब्लू कलर लेता हूं, माइनस क्यू पर अट्रैक्शन फोर्स की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी, ये फोर्स है ब्लू कलर का फोर्स है, ठीक है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, तो माइनस क्यू पर अट्रैक्शन फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यू टेस्ट चार्ज नहीं, यहां पे दूसरा, ये क्यू दूसरा वाला है, ये क्यू नॉट नहीं है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें पता हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू। अब यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर। अब यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, कोई दूसरा हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सपोज करो लेट्स टेक सम पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हम पॉजिटिव पी पॉइंट पे पॉजिटिव भी रख सकते हैं, और सपोज करो इस पॉजिटिव की वैल्यू समथिंग लाइक क्यू डैश है,
ठीक है। फिर से हमें पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है, लेट मी टेक सम इसे मिलता जुलता कलर, रेड जैसा। तो इस पे फोर्स निकालना है तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्यू डैश से मल्टीप्लाई करोगे। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना, दैट इज सी कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पॉइंट चार्ज आएगा, मतलब ये वाला चार्ज आएगा, ठीक है। तो सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू डैश, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया होगा, जिसको तुम लिख लेना या समझ लेना जो भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इसको 50 बार यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक मिनट लेट मी टेक माय रबर, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो वो फोर्स फील करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ अ नेगेटिव चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल फील फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, तुम लिख लेना, मैं लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, जब तक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े तब तक मत लिखना, क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो जब तक रिक्वायर्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सबका मैग्नीट्यूड लिखो। और रिक्वायर्ड कब नहीं होगा, जब जब तुम डायग्राम में डायरेक्शन दिखाओगे तब तक मैग्नीट्यूड रिक्वायर है, है ना। डायरेक्शन तो तुम्हें डायग्राम में दिखी रही है तो उसमें झंझट नहीं है, ठीक है, तब तक मैग्नीट्यूड रिक्वायर है। इसमें बस एक चेंज है, यहां तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस ये कंसेप्ट एक्स्ट्रा आ गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, है ना, माइनस क्यू डैश वाला और प्लस क्यू वाला, माइनस स्मॉल क्यू और प्लस क्यू डैश वाला। आई होप यू गॉट इट। इसमें बस पॉइंट, तो अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज दे रहे हैं यहां पे, दिस इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक छोटा सा चार्ज रख दें यहां पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है पी, जहां पर इस प्लस क्यू, नहीं माइनस क्यू, जहां पर इस माइनस क्यू का, ये प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू, ब्लू वाला नेगेटिव, जहां पर हमें इस माइनस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस क्यू के सराउंड में एक रीजन होगा है? जिसमें दूसरा कोई भी चार्ज फोर्स को फील करेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हमें माइनस क्यू का निकालना है, माइनस क्यू का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो हम डायरेक्शन देख लें, ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये टेस्ट चार्ज है, ये बहुत छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट, है ना, दिस इज टेस्ट चार्ज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये सिर्फ फील करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए, उसके बाद हम इसको उड़ा देंगे, ठीक। तो ऑब्वियसली ये माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पी पे हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू का जो पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल नहीं इलेक्ट्रो, बार बार इसमें मैं ग्रेविटेशनल डाल दूंगा क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इधर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा, है ना, फोर्स इधर होगा, क्योंकि अभी ये टेस्ट चार्ज है, इसको उड़ाना बाकी है। तो फिर वही काम करें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, डायरेक्शन के चक्कर में ना पड़ो, वो दिख रही है तुम्हें, डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, माइनस क्यू, तो फिर से वही हो जाएगा सेम चीज, सी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है। एक ही फॉर्मूले को हम घुमा घुमा के कैसे यूज कर रहे हैं वो तुम देख सकते हो, ठीक है। अब हम पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स को जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है उसे डिवाइड कर देंगे, ऑब्वियसली सेम कंडीशन होगी, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा होना चाहिए, तो चाहे तो लिख दो क्यू नॉट इज टेंडिंग टू जीरो, जितना छोटा कर पाओ,
यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इसकी वैल्यू फिर से वही आएगी सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू तो वही आएगी सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी। यहां पर डायरेक्शन किधर होगी, इधर, है ना, तो अब मैं सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। अब एक बार मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो मैं इस टेस्ट चार्ज को करूंगा गायब, इस टेस्ट चार्ज को, इसका यूज था इसको फील करो और यहां से भाग जाओ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तक इसका यूज था, अब ये भाग गया। अब माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, है ना, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस फॉर्मूले को फिर माइनस क्यू, ब्लू वाला था, फिर से एक ब्लू वाला ले ले, है ना, ब्लू का नाम क्या था, ब्लू अब कितने भी साइज का ले लो, अब ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये ब्लू वाला टेस्ट चार्ज नहीं है, तो ये माइनस क्यू है, सेम चार्ज को यहां पर रख रहे हैं, सेम चार्ज को कहां पर रख रहे हैं, ये सेम चार्ज को रख रहे हैं, जस्ट सेम सेम चार्ज, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, तो सेम माइनस क्यू रख रहे हैं। अब यहां पे भी वही रूल है, माइनस क्यू पर, माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, वैसे भी समझ लो कूलम्स लॉ से डायरेक्टली भी देखोगे कोई भी लॉजिक लगा के देखो आंसर वही आएगा, जैसे माइनस क्यू और माइनस क्यू इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, एक दूसरी थ्योरी क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थ्योरी, माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, इसको चाहे तो नोट में, नोट्स में नोट कर लेना, मैं ये चीज बार बार न्यूमेरिकल में लगेगी इसलिए मैं नोट करवाना नहीं चाहता, तुम्हें लिखने है तो लिख लो, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा ऐसे, डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, ऐसे फोर्स लगेगा, ये माइनस क्यू पे आ गया, ये फोर्स माइनस क्यू पे है, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, सी इंटू क्यू इंटू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इंटू क्यू, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये चीज कुछ नहीं है, ये चीज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख देता हूं, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, तो ई इंटू क्यू हो जाएगा, आई होप तुम समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर यहां पे हम प्लस चार्ज रखें, प्लस चार्ज रखें, प्लस चार्ज, प्लस क्यू डैश मैंने दिया था, है ना, यहां पे क्यू डैश कर देते हैं, दिस इज क्यू डैश, ठीक है, तो इसको मैं कुछ एफ डैश बोल देता हूं, तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू क्यू डैश हो जाएगी, और ये किधर लगेगा, प्लस क्यू डैश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एक ही कंसेप्ट को इधर उधर करके घुमा के सब वही चीजें हैं, तो मगर इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि मैंने दोनों केसेस